इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। काशी विश्वनाथ भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। मुंबा पुलिस समस्थित स्वामी श्री प्रेमपुरी संस्था ट्रस्ट से प्रायोजित एवं कृष्ण कुमार दैया दैया परिवार से समायोजित गीता चिंतन माला ये 15वें अध्याय के 3रे श्लोक तक संक्षेप से विचार श्रवण कर चुके हैं। 4थे श्लोक का उच्चारण। तत पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पद्मव्ययं तत। इसके पहले आपने श्रवण किया कि संसार का स्वरूप जैसा आपात रमणीय प्रतीत हो रहा है वैसा है नहीं, यह अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन करना अशक्य है। तो इस संसार जो समस्याओं का जड़ है, समस्याओं का कारण है, यह भी एक बहुत सूक्ष्म बात को ध्यान रखना। यहाँ जो चर्चा चल रही है जैविक संसार की,
जो ईश्वरीय संसार है वह तो आपके साधना का साधक है, जो आपके जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति, उसका साधक है ईश्वरीय सृष्टि। जैसे भूख लगी भोजन कर लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, मन विचलित हुआ तो संगी साथी से मीठी मीठी बातें कर ली, सुखम दुखम कर लिया, ये तो संसार आपकी साधना का साधक है। परंतु जो जैविक संसार है, जो अश्वत्थ है, तीसरे श्लोक में जो बात बताई वह साधक के चित्त में वैराग्य को बढ़ावा देने के लिए बताया कि नान्तो न चार्दिन न संप्रतिष्ठा और अश्वत्थमेनम सुविरुद्ध मूलम तक। अश्वत्थ शब्द भी जैविक सृष्टि के लिए ही कही गई है। ईश्वर की जो सृष्टि है, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद वायुः वायोरग्निः अग्ने आपः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या सर्व औषधयः। उस परमात्मा ने क्रमशः पंचभूतादि क्रम से संसार का सृजन किया। यह जो संसार है ईश्वर कृत है, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए बड़ा सुंदर एक मकान बनाता है, कारोबार के लिए दुकान फैक्ट्री सबका सृजन करता है बनाता है, वैसे परमपिता परमेश्वर ने आपके सुख सुविधा के लिए आप बड़े आनंद से साधना कर सके, जीवन यापन कर सके, इसके लिए एतदर्थ संसार का सृजन किया। वह तो आपकी साधना का साधक है, सार्थक है। पर जो जैविक सृष्टि है जिसको अहमता ममता आप कर लेते, यही बाधक है। और अश्वत्थ भी यही है। अश्वत्थ मतलब सोपि स्थास्यति नवा, कल तक आपकी जो जैविक सृष्टि है जिसको मनोदेव ने सर्जन किया है, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि आपका शत्रु है या मित्र है, पर आपने अनुकूल बुद्धि से उसे मान लिया मित्र, और जैसे स्वार्थ में बाधा पड़ी प्रतिकूलता ही तो शत्रु मान लिया। किसी को आप अपना मान लेते हैं जो आपके स्वार्थ का साधक होता है, वही आदमी स्वार्थ का बाधक होता है तो पराया मान लेते, शत्रु मान लेते। ये बातें मात्र अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। जो शत्रु मित्र है अनुकूलता प्रतिकूलता अपना पराया, अनुकूलता प्रतिकूलता इसके मूल में जड़ में कारण है। और तीसरा जो उदासीन वृत्ति है वो महापुरुषों की होती है। न अनुकूलता से आसक्ति, न प्रतिकूलता से द्वेष, समत्व बुद्धि समत्व भाव, यह तो साधकों की होती है, मोक्षों की होती है। समत्व दृष्टि समत्व भाव सब में समान दृष्टि। यह जो संसार है अश्वत्थ जो कहा है वह जैविक सृष्टि के लिए, जो जीवात्मा ने अपने मन की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से शत्रु मित्र अपना परे अच्छा बुरा पसंद नापसंद की जो भाषा का प्रयोग करता है, ये जैविक सृष्टि है। इसको आपने बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया। पंचभूतात्मक पिंड है उसको आपने अपना बेटा मान लिया, किसी ने नाती किसी ने पोता किसी ने भांजा किसी ने भतीजा किसी ने भाई किसी ने शत्रु किसी ने मित्र, जैविक सृष्टि हुआ।
जीवात्मा ने लोक व्यवहार के लिए शब्द प्रयोग के लिए अपने लिए इस प्रकार से संबंधों को जोड़कर और जो है ना ऐसे शब्दों का सृजन कर लेता है। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु लोक व्यवहार से आगे उसको जब पारमार्थिक मान लेता है, सच्चा मान लेता है, वास्तविक मान, ये बंधन का कारण बन जाता है। जब आप अपने ही द्वारा इस संसार का सृजन करके उसमें सत्यत्व बुद्धि कर लेते हैं, वही आपके साधना का बाधक खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से मकड़ी, जैसे मकड़ी क्या करती है कि अपने मुख से जाला निकालकर बड़ा भारी एक सुंदर समझो कि मकड़ी बना लेती है जाल। उस जाल में स्वयं इतनी ममता कर लेती है कि चाहे तो काट कर बाहर निकल सकती, पर ममता करके सोचने पड़ जाती है, हमने बनाई इतनी अच्छी बनाई, कैसे काटो कैसे निकलो, इतने में दम घुट जाता और मकड़ी मर जाती। वही जैविक सृष्टि है। जीवात्मा भी मकड़ी के समान इस संसार को खड़ा कर लिया कि हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमारा गोत्र है, हमारा परिवार है, स्वजन है, सजातीय हैं, विजातीय हैं, अपने हैं, पराये हैं, ये सगोत्र हैं, ये परगोत्री हैं, ये हमारे साथ के काम करने वाले समझो कि डॉक्टर मास्टर हैं। इस प्रकार से मकड़ी के जाले के समान अपने इर्द गिर्द इतना बड़ा जाल बुन लेता है, जाल, इसको जैविक सृष्टि कहते हैं। वो जाल को और बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती वैसे जाल भी बढ़ता है। पहले पिता था, फिर पितामह बन गया, परदादा बन गया, फिर जो है ना किसी के मामा बन गया, तो किसी का भांजा बन गया, किसी का भतीजा बन गया, किसी का चाचा बन गया, किसी का शत्रु बन गया, किसी का मित्र बन गया, तमाम शब्द और व्यवहार का यह सर्जन करके वो मकड़ी के समान एक जाल अपने चारों तरफ बुनकर खड़ा कर लेता है, आगे पीछे उसी में बंध जाता है और इतना दृढ़ हो जाता है, दृढ़ सुविरुद्ध मूलम, जो तीसरे श्लोक में बात आई, सुविरुद्ध मूलम, राग द्वेष इतना मजबूत कर लेता है कि बाहर आना चाहे तो भी संभव नहीं। सदगुरु निकालना चाहे तो बोलता महाराज इतना लंबा चौड़ा परिवार, बंधु बांधव, और कैसे मैं इनको छोड़कर आपकी शरण में जाऊं, बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। बुढ़ापे तक एक ही जवाब देता है, जब अच्छे संत महापुरुष कहते भाई समय निकालो, भजन करो, भक्ति करो, बहुत दुनिया तुमने देख ली, एक ही जवाब घिसा पीटा होता है कि हमारे बिना ये लोक व्यवहार, ये परिवार कारोबार कैसे चलेगा, जब तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं होंगे तब भी चलेगा, पर मकड़ी के जाल के समान ऐसा ताना बोना एक जाल बोल लेता है और जाल उसी में फंस जाता है। फंसने के बाद फिर क्या कहता है महाराज, ये भगवान की माया छूटती नहीं। इसी को स्विरूढ़ मूलम का दिया, ऐसा मूल दृढ़ हो गया। तो सचमुच में यदि आपने संसार के स्वरूप को ठीक से समझ लिया कि संसार आपका सहिष्णु है, अनित्य, विनाशी है, ऐसा समझ लिया, ऐसा समझने के बाद फिर
चिराप के चित्त में वैराग हो जाता है, और वैराग होने के बाद असंगता आती है। तो कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, दृढ़ता के साथ असंग शस्त्र के द्वारा जैविक संसार का छेदन करना। भागवत में भी आया, ऋषियों ने कहा कस्य त्वं पुत्र, वसुदेव जी को बोला कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, तुम किसी के पिता नहीं, यह तो मोह इमाम मोह जालम छिंधी, काटो मोह जाल को, स्नेह पास है इसको नष्ट करो। ये जो स्नेह का पास उससे आप बंधे हुए हैं, तो स्नेह पास के छेदन के लिए बताया असंग सहस्त्रेण असंगता। कंटक के नीव कंटकम, कांटे से कांटे को निकालते हैं, तो असंग शास्त्र असंगता यदि मंद हो तो क्या करना, कहते संतों की संगति करो। तो संतों के संगति करने से और असंगता दृढ़ होगी। दुनिया की संगति करोगे, विषय की संगति करोगे, प्राकृत वैश्विक प्राणी की संगति से विषय की ज्वाला और प्रज्वलित होती जाती है। और वैश्विक जो पुरुष है, जो वैश्विक पामर प्राकृत पुरुष है, इनकी संगति से इतनी प्रज्वलित आपकी वासना हो जाती है कि जलाकर राख कर देती है। यदि आप संतों की संगति करेंगे तो वहां भी एक है ज्वाला है, वो ज्ञान अग्नि है। नहीं ज्ञाय सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और ज्ञान अग्नि भस्मसात कुरुति तथा, जो ज्ञान अग्नि है सारे पाप ताप को जलाकर राख कर देती है। तो विषय के अग्नि तो आपको जला के राख कर देती, हाय हाय करते करते मर जाते, दुनिया वाले जलाकर आपको राख कर देती, शमशाने फूक ताप कर स्वाहा। परंतु संतों की संगति करेंगे तो संतों की संगति से एक असंग शस्त्र मिलेगा और दृढ़ मजबूत होगा, असंगता बढ़ेगी, और अंत में इतनी असंगता बढ़ जाएगी कि ज्ञानाग्नि के द्वारा सर्वाणी कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, सारे जो संचित क्रियमाण कर्म है जल के भस्म हो जाएंगे। भोगेन्तु इतरे छपित्वा, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है प्रारब्ध कर्म भोग से छीन हो जाएगा, इसके बाद विदेह मुक्ति। तो निर्णय आपको करना है कि संगति किसकी करनी, संतों की संगति या विषयी पुरुषों की संगति। विषयी पुरुषों की संगति करेंगे तो विषयम विश्वत विद्धि, ये विषय कैसे विष के समान जहर के समान है, और जलाकर आपके शरीर को राख कर देते हैं। इसलिए आपको विचार करना कि शमशान का राख बनना है या यज्ञ कुंड का राख बनना है। शमशान के राख तो अशुद्ध अपवित्र मानी जाती, पर यज्ञीय जो राख है उसको सब सर पर लगाते हैं, पवित्र घर में रखते। तो संतों की संगति से ये जो ज्ञानाग्नि है भस्म सात कुरुते तथा, आपके सारे बंधनों को छुड़ा देती है, मुक्त हो जाते हैं। तो जीवन में असंगता आनी चाहिए, तो असंगता आती कैसे, तो परमात्मा
या परमात्मा जिसके चित्त में है ऐसे महापुरुषों की संगति करने से। सबके हृदय में तो परमात्मा बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बात तो सत्य है। पर अज्ञानी के हृदय देश में जो परमात्मा बैठा है उसको पहचान नहीं पाता। जैसे बादल से सूर्य ढक जाते हैं तो सूर्य की रोशनी बाहर नहीं आती है, सूर्य तो मौजूद है, गगन मंडल में सूर्य मौजूद है, परंतु बादल से सूर्य जब ढक जाते रोशनी आप तक पहुंच नहीं पाती। ऐसे अज्ञानी यों के हृदय में जो अंतरात्मा परमात्मा है वह विद्या से आवृत होने से रोशनी बाहर आ नहीं पाती। पर ज्ञानी अब विद्या सविद्या का ध्वंस कर देते, इसलिए उनकी रोशनी बिल्कुल बाहर आती। उनके छत छाया में जो भी आता, ज्ञानी महापुरुषों के छत छाया में जो भी आता है बिल्कुल प्रसन्न आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। तो आपको विचार करना है, असंग शस्त्र दृढ़ छित्वा फिर क्या करे, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ज्ञानी के शरण में जाने के बाद, और ज्ञानी भी कैसा हो गुरु भी कैसा हो कसौटी है, लिखाना कि तत्परिमार्गितव्यम। जब संसार से वैराग्य हो जाए, असंगता आ जाए, संगता का दृढ़ है मतलब बिल्कुल पक्की होना चाहिए, ऐसा नहीं आज हुआ कल मिट गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल जब पक्की असंगता आ जाए तो आने के बाद तत्पदम परिमार्गितव्यम, जो परम पद है उसका खोज करो। वो भी कैसे, तो सद्गुरु के आश्रय से। इसको कहा यहां पर शंकरानंद स्वामी ने कि सन्यस्य श्रवणम कुर्यात, सन्यस्य श्रवणम कुर्यात, इष्णात्रय का त्याग करके पहले श्रवण करो। जो पुत्रेषणा है, लोकेषणा है, वितेषणा है, जो पुत्र की चाह बैठी है कि बेटा आराम सेवा करेंगे, बहू गरम गरम भोजन देगी, इन सब इच्छाओं को छोड़कर जो भी मिल जाए महाप्रसाद समझकर औषध समझकर सेवन करना। यदि आप सब कुछ परमात्मा ऐसा समझ लेंगे तो कोई व्यवहार आपको विक्षिप्त नहीं कर सकता। जो भी कुछ सामने घट रहा है वह सब परमात्मा की सत्ता से उसकी मौजूदगी में घट रहा है। या आपके गले उतर जाए तो जीवन में आपके हृदय रूपी डिक्शनरी में जो है ना टेंशन, हाई डिप्रेशन, डिप्रेशन, विक्षेप, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो यह जो कुछ घट रहा है सब परमात्मा की सत्ता में। तो देखो सब कुछ परमात्मा की सत्ता से हो रहा है, पर सत्ता का में भान नहीं, और सत्ता का भान होने से हम भटक रहे हैं। तो सद्गुरु के शरण में जाओ। सद्गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कसौटी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हो। जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु होगा तो संसार सागर से आपको तार देंगे। तो इष्णात्रय का त्याग करके तब जाना है। जो पुत्र की चाह है, बहू बेटे की चाह है, वह छोड़ दो। उसके बाद वित्त की इष्णा, लोकेषणा, लोक मतलब संसार वाहवाही करे, वह भी इष्णा बड़ा भारी प्रतिबंधक है। इष्णात्रय को त्याग करके तब श्रवण करो,
वेदांत का। श्रवण के बाद गीता चिंतन माला का चिंतन मनन, उसके बाद निध्यासन, तब जाकर आत्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, आप संसार के बंधन से छूट जाएंगे। तो सबसे पहला वो क्या करना, जैविक सृष्टि जो अस्वस्थ है, जिसको आपने मकड़ी के जाल के समान ताना बूना बूना बनाया है, वह अस्वस्थ मतलब कि क्षणिक है, कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं। बुढ़ापे आते आते सारे रिश्तेदार नातेदार सारे संबंधी बिखर जाते हैं, एक एक करके बिखर जाते हैं, सक व्यवहार में बदलाव आ जाता है। तो जैविक सृष्टि अस्वस्थ के समान ऐसा समझ करके असंगता उपलब्ध करके इसके बाद फिर क्या करना है, तो कहते हैं कि जब जैविक सृष्टि पर अंकुश लग जाए, विचलित न कर सके, सब कुछ परमात्मा का ही है, विश्वम ब्रह्मा सर्वम खलुविदम ब्रह्मा, सब ब्रह्मी ब्रह्म है। जब आप ऐसा मान लेते, तो को पहले क्या मान लेते कि मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरे बंधु बांधो, ये लोक दृष्टि है। शास्त्र दृष्टि जब आ गए तो क्या बोल, सब परमात्मा का ये, मेरा तो कुछ नहीं, क्योंकि आप के आने के पहले भी था, जाने के बाद भी रहेगा, ये सब परमात्मा का है, सब भगवान का है, ये शास्त्र दृष्टि है। ये दृष्टि के आने के बाद असंगता हो जाती है, असंग परमात्मा के नाम है, असंगो ही अयम पुरुष, नहीं संग ने सज्जते, पुरुष परमात्मा असंग है। इसके बाद में जब मन से सृजित संसार के जाल का उच्छेद हो जाए, सतगुरु के चरणों में बैठकर वेदांत का श्रवण करे, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, अन्वेषण करे यात्मा कैसा है। भय बिन हो तन प्रीति, वैराग्य चित होने के बाद में आप मन में भय होता है कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। हमारे शास्त्रों में जो अधर्म का पाप का जो नरक फल बताया है, भागवत में तो 18 प्रकार के नरकों की चर्चा है, रो रो महा रो रो घोर रो रो सूची मुख, बहुत विलक्षण नरकों का वर्णन। जब आप सुनते कि फलाने पाप का फला नरक दंड है, तो आप पापी कर्म से दूर हो जाते, राम रामेगे, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, है ना, इससे व्यावृत हो जाते, मन हट जाता। यहां पर ही मौत का भय। कहते एक सेठ जी थे, तो एक ब्रह्मचारी भिक्षा करने आए, बोले सेठ जी राम राम, कोई उत्तर नहीं। सेठ जी मस्त रो सकता है, सीताराम को भगत हो सीताराम महाराज, फिर भी अपने हिसाब किताब में व्यस्त, हर हर महादेव, सोचे क्या पता महादेव जी के भगत हो, हर हर महादेव, फिर भी सेठ जी के कान पर जू नहीं रहेगा, सोचा हो सकता है नारायण के भगत हो, ओम नमो नारायणाय, फिर भी कुछ नहीं, सोचा निर्गुणिया भगत होंगे, बोला अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलक्ष निरंजन बोलते हैं, अंजन ना विद्या का है, जो विद्या सदैव जो अलक्ष ब्रह्म है, अलख निरंजन किया।
शेठ जी ने 100 रुपया पकड़ाया, ले जाओ दे दो भिक्षुक को। ने मना किया, नहीं चाहिए। सेवक सेठ जी के पास, बोले सेठ जी वो तो मना करा, बोले अच्छा बड़ा होगा, ले जाओ 1000 रुपये, लो महाराज स्वीकार करो। नहीं नहीं चाहिए, सोचा कि बड़ा महात्मा होगा। तो बिल्कुल 1 लाख का चेक ले गया काट का, साथ में कुछ कपड़े बर्तन फल फूल, महाराज आपकी सेवा में, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस सेठ जी से एक बात करनी है। सेवक बोला सेठ जी वो तो आपके 1 लाख रुपए के चेक को भी स्वीकार कर दिया, कपड़ा को भी फल फूल को भी। बोला मैं तो सेठ जी से बात खाली करनी। सेठ जी आए, बोले महाराज हुकुम आदेश। हुकुम महाराज, ममचाय ने कहा कि सेठ जी हमारे गुरु महाराज ने कहा बस 1 मास और आपको इस दुकान में बैठना है, फिर आपकी मौत हो जाएगी। आज के 30वें दिन आपकी मौत। इतना सुनना था कि सब हिसाब किताब हाथ से नीचे गिरेगी। महाराज एक बोले हाँ 1 मास। अच्छा जरा गुरु महाराज से मिलाओ। तुरंत चल पड़े गुरु महाराज के दर्शन के लिए। महाराज 1 मास बोल हमारी आयु है। बोले हाँ बिल्कुल सही। तो क्या करें महाराज, जब 1 महीने ही दुनिया में रहना है फिर क्या हम करें। मृमाणस ही किम कर्तव्यम, मृमाण को क्या करना चाहिए। सब मृमाण है, सब मरने वाले, इसका नाम मर्त लोक। सेठ लगेगी गिड़ाने, महाराज कोई तो उपाय होगा। महात्मा जी ने कहा एक उपाय है बहुत बड़ा, चाहे कितना ही बड़ा कठिन से कठिन तम हो हमको बताइए, हम जरूर करेंगे। मुझे नहीं मरना है, मौत से छुटकारा को उपाय बताओ महाराज, महाराज महाराज उपाय बताओ। भय भी न हो तो न प्रीत। अब मौत की भय से महात्मा के चरणों में प्रीति जग गई, पहले देख भी नहीं रहे थे कौन है, इतना धन का अहंकार। मौत बड़ों बड़ों के छक्के चौके छुड़ा देती है। एक उपाय है, तुम शिव जी के मंदिर बैठकर महामृत्युंजय का जप करो कि भावी मिट सके त्रिपुरारी, भावी को त्रिपुरारी शायद मिटा दे, भी एक उपाय है। बस रात दिन खाना पीना छोड़कर स्रोतो भावे न शिव जी के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम् जयजामहे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस प्रकार जप करने लगे। 25 दिन बीत गए, अब तो ऐसी भक्ति में लगन हो गई कि रात दिन माला ही माला, क्योंकि पता न कि 30वें दिन कोई भरोसा नहीं। 25 दिन के बाद तो बस भोजन भी छूट गया, मात्र पानी पीकर महामृत्युंजय जप करते रहे। जैसे 30वां दिन आया, तो सोना उठना ही बंद, बिल्कुल दीनात महामृत्युंजय के जप में। जब 30वां दिन निकल गया बड़े खुश, बोले महाराज निकल तो गया 30वां दिन। बोले हाँ मौत तो आई थी,
पर तुम चूंकि बैठे थे मंदिर के भीतर गर्भगृह में, श्री मौत बाहर से परिक्रमा लगाकर चली गई, मौत टल गई तुम्हारी। अब तो सेठ जी बहुत खुश, पर मौत के भय से उनके चित्त में भक्ति का अंकुर पल्लवित पुष्पित फलित हो गया। पहले उनके चित्त में मात संसार के व्यवहार का, व्यापार का, कारोबार का, हिसाब किताब का ही अंकुर था, पर जैसे मौत का भय हुआ भगवान की भक्ति जग गई। अब दीन रात भगवान की भक्ति में लगे रहते। तो सदगुरु इस प्रकार के तरकीब से अपने भक्तों को तार देते हैं। तो यहां पर भी सदगुरु के पास जाकर कैसे श्रद्धया भक्तया शुश्रूषया श्रद्धा से भक्ति से सेवा करके, जो श्रद्धा भक्ति सेवा पूर्वक सत्संग सुनते हैं तो बहुत जल्दी फलित होता है। बिना श्रद्धा के बहुत काल की अपेक्षा होती है। तो तत्परिमार्ग तब्यम खोज करना, क्या खोज करना, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भो, यह जिस मार्ग में जाने के बाद लौट कर नहीं आना पड़ता है, यह ऐसा निवृत्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। जब वहां पहुंच गए कदे दोबारा लौट के नहीं आना पड़ेगा, ये मुक्ति मार्ग। ये गमनागमन के चक्र से आपके पिंड का छुटकारा हो जाता है। ये तो कर्मानुसार स्वर्ग जाओ, छीणे पुण्य मर्त लोके विसंति। आम जनता तो इतनी समझती है कि पुण्य कर्म से स्वर्ग स्वर्गीय और पापीय कर्म से नारकीय योनि, पर वेदांत आपको नरक के समान स्वर्ग को भी बाधक कहता है, बाधक बल्कि ज्यादा। नरक में तो तरह तरह की पीड़ा होती है, उस पीड़ा से कदाचित वैराग्य भी चित्त में हो जाए, हे भगवान छुड़ाओ, हे प्रभु बचाओ बचाओ। पर स्वर्ग में इतने संसाधन है, इतने सुख सुविधा है, वहां से तो वैराग्य होने का तो नाम ही नहीं, बल्कि और चित्त आपका भोगा सक्त होते जाता है। श्री ईशावास उपनिषद में इसको ज्यादा बंधन कहा है स्वर्ग को, पर वेदांत आपको स्वर्ग नरक दोनों से उठाकर मोक्ष में प्रतिष्ठित करता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। कैसा स्वरूप है, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर गमनागमन होता ही नहीं। ये गमनागमन जो कहते हो व्यवहारिक, जैसे आकाश घड़े के परिधि में आने पर घटाकाश, मठ के परिधि में मठाकाश, दंड के परिधि में आने से सीमा में उसको बोलते दंडाकाश। जैसे ही पतली सी घट की उपाधि टूट गई बिखर गई, घटाकाश महाकाश में विलय हो गया। पहले भी महाकाश में ही था, पर छोटी सी जो उपाधि थी उपाधि से अलग भाषित हो रहा था। उपाधि एक दीवाल थी, चट्टान थी महाकाश होने में। जैसे घट की उपाधि का विनाश हुआ,
कहते महाकाश में चला गया, वो जाता नहीं, उपाधि मात्र नष्ट होती। सिख व्यवहारिक भाषा में बोलते चला गया। तो यहां पर ही बता रहे, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जहां से जाने के पास जाना आना नहीं पड़ता है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। वही जो आद्य पुरुष है, जिसको हम आदि पुरुष कहते हैं, वह पुरुष कहाँ रहता है जी? यहां बताया कि असंगता आने पर सदगुरु के पास जाए और अन्वेषण करे कि आत्मा वास्तव में क्या चीज है। अन्वेषण करने के बाद का तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, पुरुष की शरणागति ले, शरण में जाए। पुरुष कहाँ रहता है? किसी की शरणागति लेनी हो सदगुरु की या माता पिता की, तो उनके पास चल के जाना पड़ता है ना। या वे दयालु आपके पास तुम्हारे पास आ जाए तब बात बनती है, या तुम वहां पर चल के जाओ तब जाके बात बनेगी शरणागति की, कि शरणम प्रपद्ये, गुरुम शरणम प्रपद्ये। एक बड़ी रोचक बात याद आ गई गर्भोपनिषद की, भागवत में बात है, गर्भोपनिषद में भी है। गर्भोपनिषद में जब जीवात्मा माँ के गर्भ में होता है तो माँ गर्भ में बार बार गिर गया आता है, प्रभु यदि योन्याम पर मोचे हम नारायणम शरणम प्रपद्ये। जिसे आपने सुना ना, एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ तो गया पर उतरने में बहुत कठिनाई, डर लगता है, उतरते ऊपर से नीचे आते हैं तो कहे हनुमान जी महाराज बचा लो, इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, हे काली मैया बचा लो, ये बलि चढ़ाऊंगा, हे अवघड़ दानी महादेव बचा लो तो आपको बड़ा भद्राभिषेक कराऊंगा, हे कृष्ण कन्हैया कोई चमत्कार कर दो, आराम से उतर जाऊं, हे राम जी भगवान रक्षक, तमाम देवताओं का नाम लेके पुकारता रहा, पुकारते पुकारते धीरे धीरे नीचे आ गया। वैसे आप देखना, गर्मी में गंगा किनारे शायद ही किसी भगवान का नाम सुनाई पड़े आपको, शायद, परंतु दिसंबर जनवरी में जो हमेशा हम लोग नहाते हैं, वहां आपको अपने आप हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण भगवान का नाम सुनाई पड़ेंगे। जब ठंडी दर ठंडी लगती है, ऐसे लोग करते ठंडी लग दिया तो कद हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण, राम राम सीता राम, सीता राम, सब जोर से चीखते हैं चिल्लाते हैं, थोड़ी तो ठंडी कम हो जाए। आए दिन के अनुभव बता रहा हूँ आपको, आए दिन के गरीब में हमारे नहाते, कोई कहीं से नाम नहीं लेता भगवान का, सीधा पशु की तरह से कपड़े उतारे गंगा में तैरने लगे। और वही गंगा, वही जब गरीब सर्दी आती है, सर्दी में सब भगवान का नाम लेंगे चार बार चिल्ला के, तब जाके गंगा में गोता लगाते, शायद कुछ गर्माहट आ जाए। हम भी ऐसे करते, सभी ऐसे करते हैं गरीब सर्दी में। ऐसे यहाँ पर भी तो तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, आप पुरुष की शरण में जाएंगे, पर पुरुष कहाँ है ये ढूंढना पड़ेगा ना। जब तक आप यह ना मालूम पड़ जाए यह पुरुष कहाँ, परमात्मा कहाँ, तब तक शरण में कैसे जाएंगे। तो जब कोई संकट समस्या आती है तो आप जोर से पुकारते हैं, जैसे जीवात्मा जब गर्भ में आता है तो बड़ी पीड़ा होती,
जो गर्भवास में पीड़ा होती, गर्भवास जन्य जो पीड़ा है उससे परमात्मा को पुकारते हैं। गर्भवास जन्य पीड़ा से पीड़ित होकर परमात्मा को याद करते हैं, सारे भगवान को। यदि योन्याम प्रमुच्चेहम नारायणम अरण्यम मतलब शरण्यम प्रपद्धि, यदि योन्याम प्रमुच्चेहम महादेव शरणम प्रपद्धि हम, यदि योन्याम प्रमुच्चेहम सांख्य योगम अभ्यस्य। यदि एक बार गर्भ से बाहर निकल जाऊं तो नारायण की शरण लूंगा, महादेव की शरण लूंगा, सांख्य योग का अभ्यास करूंगा, ध्यान करूंगा, बार बार चिख कर प्रार्थना करता। और जैसे बाहर आता वो वैष्णवी माया के कारण से सब भूल जाता है, सब भूल जाता इसी भगवान की माया। यहां पर भी शरण लेनी है, पर पुरुष कहाँ है? मथुरा है, काशी है, वृंदावन, अयोध्या, द्वारिका, कांची है कहाँ की, वाराणसी कहाँ बैठा? कदे पुरुष पूरी सेनाद्वा पुरुष न द्वारे पूरे देही नई कुरुवन नकारयन, नौ दरवाजे का जो नगरी शरीर है, आंख नाक कान हस्त पाद पायु पस्थ, इस पूरी में रहता है। पूर्णत्वात्वा पुरुषः, आप चाहते कि हमारी कामना इच्छा पूरी हो जाए तो वही पुरुष परमात्मा आपकी इच्छा कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, क्योंकि वह पूर्ण है, श्री पुरुष कहते हैं। तो जो परमात्मा है उषा दाय से भी बनता है पुरुष, ओ सनात दहनात सर्वान पापान हवा एस ओ सती इति पुरुष, सारे पाप ताप जला के राख करने से इसका नाम पुरुष है। तो दूर भटकने की आवश्यकता नहीं, जो आपके हृदय में हृदयाकाश में विशेष अभिव्यक्त होता है तो कण कण में क्षण क्षण में जन जन में व्याप्त है, जैसे तिल में तेल व्याप्त है, जैसे तिल में तेल व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा कण कण में मौजूद है, क्षण क्षण में है, जनजन में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वह न हो। परंतु विशेष अभिव्यक्ति स्थल है हृदय, तो आपके हृदयाकाश में जो परमात्मा मौजूद है उसकी संज्ञा पुरुष हो गई। जब आप उसकी शरण में जाते हैं तो हृदयाकाश में दोनों है, काम भी है राम भी है। यदि आप कामना की शरण लेंगे तो जीवन पर जीवन बीत जाएगा, जन्म पर जन्म बीतते जाएंगे, कभी वह कामना परिपूर्ण नहीं होगी। और जो हृदयाकाश पर परमात्मा जो पुरुष मौजूद उसकी शरण में जाएंगे, शरणम प्रपद्धि शरणागति लेंगे, वह कैसा है? यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, उसी परमात्मा से पुराणी बोलते चिरंतन सदातन, जो आपकी प्रवृत्तियां हो रही हैं, जो प्रवृत्तियां हो रही हैं उसी परमात्मा की सत्ता से, उसी की स्फूर्ति से हो रही है, उसके सत्ता के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। तो सारे प्रवृत्तियों का वही जो कारण है, यतः
प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। ऐसे परमात्मा की शरणागति लेने के बाद फिर आप कृतकृत्य हो जाते हैं, कुछ शेष नहीं रहता है। अज्ञानी जीव संसार की शरण लेता है। जब आप संसार की शरण लेंगे तो भाई देखो, जिसके पास जो होगा वही देगा। स्यार के गुफा में जाओगे तो हड्डी मांस ही मिलेगा, पर हाथी के गुफा में जाओ, सिर गुफा में तो गज मुक्ता मणि मिलेगी। तो संसार के पास समस्या है, पीड़ा है, जाड है, अनित्यता है, इसके शरण में जाएंगे तो वही अनित्यता, जड़ता, पीड़ा, परिचिता, समस्याएं आएंगी। जब महात्मा के पास आते तो क्या बोलते, महाराज तमाम समस्या ही समस्या, आप कुछ कृपा करो, इस समस्या से छुटकारा हो। महापुरुष कहते हैं कि देख भाई, समस्या का ही नाम संसार है, और यह समस्या तुमने खड़ी की है, जो तुम्हारे अंतःकरण में यह जो भावना हो गई कि यह मेरा या तेरा, ईश्वरीय सृष्टि किसी के सामने समस्या नहीं खड़ी करती। जो जीवात्मा ने दैविक सृष्टि बना लिया कि यह मेरा या तेरा, मैं और तू, इस भाव के आते ही तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती है। जो तमाम समस्या है इसी का नाम संसार है। तो समस्या है तो समाधान भी है। समाधान क्या है स्पष्ट कर दिया। जैसे भाई आपको डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, इंजीनियर बनना तो क्या करते हो, हाथ पर हाथ धर कर घर पर नहीं बैठते, आप अध्यापक की शरण में जाते हो, 25 साल तक पढ़ते हो, फिर प्रैक्टिकल अभ्यास करते हो, अच्छे डॉक्टर बनते, मास्टर बनते, इंजीनियर बनते। इसी यहां पर भी जी आपको समस्या का समाधान, जी समस्या नहीं, लाखों अरबों खरों वर्षों से चली आ रही है, ये जन्म मरण रूपी भवरोग से छुटकारा पाना है, जन्म मरण रूपी संसार छुटकारा पाना है। सबसे बड़ा रोग है जन्म और मरण, इससे छुटकारा आपको पाना है तो सीधी सीधी बात है, सदगुरु की शरणागति लो। ये क्या बताएंगे कि तू तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तू संसार की शरणागति छोड़ो, परमात्मा की शरण हो जाओ। हे नाथ, मैं आपका हूं और दूसरा मेरा कोई नहीं, सबको देख लिया हमने, अजमा लिया हमने। महाभारत के प्रसंग में आपने देखा, सुना, पढ़ा कि द्रौपदी जब तक पांडवों को पुकारती रही, अन्यान्य को कि बचाओ बचाओ रक्षा करो, हमें लाज को बचाओ, कोई नहीं आया। जैसे ही परमात्मा के शरण हो गए, हाथ को ऊपर खड़ा कर दिया, प्रभु त्राहि माम रक्ष माम शरणागताम, वैसे तत्काल भगवान साड़ी रूप में परिवर्तित हो गए। तो संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो ब्रह्म है, वही परमात्मा प्रत्यक्ष आज अपने को साड़ी रूप में परिणत कर दिया। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन भी साड़े खींचते खींचते मूर्छित तो गिर पड़ा, पर साड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई। कब?
जब द्रौपदी परमात्मा के पुरुष की शरण में गई। इसी गजराज जब तक अपने बल से सागर में लड़ता रहा ग्राह से, तब तक ग्राह उससे जल के बीच खींचता गया। जब ग्राह ने अनुभव किया कि अब मैं अपनी ताकत से बच नहीं सकता, हारे का नाम हरि है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, तुरंत परमात्मा के शरण में गया। नारायणम अरण्यम शरणम प्रपद्ये, तुरंत छंदोमयेन गरुडेन परमात्मा प्रकट होकर गजराज को बचा लिए। यह जीवात्मा जैसे ही परमात्मा की शरण में जाता है, हे नाथ हे नारायण मुझे बचाओ रक्षा करो, अब मेरा संसार में कोई नहीं, एक आप ही हमारे हो। शरणागति लेते ही तत्काल परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर जरूर उसकी रक्षा करते ही करते हैं। बशर्ते जीवात्मा ईमानदारी से परमात्मा की शरण में जाए। यदि नाटक करोगे तो पकड़े जाओगे, नाटक नहीं करना। कहते ना वृंदावन में एक बहू बाहर से ब्याह कर आई थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने पीएचडी डिलीट सब कर रखा था। उसने कहा कि ये गांव की ग्वारी ने इनको पता ही नहीं, जरूर कुछ लोग कन्हैया नाटक करता होगा। उसने देखा गोपियां कहती हा काना हा कृष्ण हे देवकी नंदन बचाओ बचाओ, इतने में आता है कान में कुछ बोलता है वो उठ के खड़ी होकर नाचने लग जाती है। वो जो बाहर की पढ़े लिखी बहू ने नाटक कर दी, मन में भाव तो था नहीं, श्रद्धा विश्वास है नहीं, हे काना हे देवकी नंदन आओ बचाओ बचाओ करके मूर्छित हो गई, मूर्छा का स्वांग कर लिया। इतने में दौड़ के गए कान्हा को बोले, कान्हा कान्हा हमारे घर में जो फला गांव की बहू है शहर से आई है बहुत पढ़ी लिखी, वो तुम्हारी दीवानी है, तुम्हारा नाम लेकर और मूर्छित हो गई। भगवान आए बोले, अरे हमारा नाम नहीं, इसको तो बड़ा भारी भूत लग गया है, भूत पकड़ लिया है। और सबने कहा भूत को कैसे झाड़ा जाए, तो कान्हा ने कहा जब मैं छोटा था ना तो भूत भवन भोलेनाथ आकर मुझे थोड़ा सा मंत्र बता गए, वो मुझे स्मृति है, तू ही लाला झाड़ दियो, लच्छा लाओ, काली काली सूट सोटी मंगाई, लाल मिर्च जलाई, कह देखो जब भूत भागता है तो रोता है, आलोक दुखी नहीं होना, भूत ही रोएगा भूत ही बोलेगा कबूल करेगा। बोले ठीक है, लाल मिर्ची जलाई, देख लुचा सोटा लगाया, बोले बताओ कहाँ का भूत है, भागता के तू यहां से, उठ खड़ी हुई, बोले बस बस हो गया भूत भग गया। तो नकली नाटक से नंदन वो भूत भी जानने जानते, सच्ची श्रद्धा हो, यदि आप भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्या चिंतियंतो माम ये जना परिपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की प्रतिज्ञा है जो शरण में आते हैं, भगवान जरूर उनका योगक्षेम वहन करते ही करते हैं। भगवान कृपा से हम सभी लोगों ने सप्त दिवसीय गीता चिंतन माला का श्रवण किया, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट से प्रायोजित एवं
मातुश्री, बेलाबेन, पिताश्री, मूल जी भाई एवं भ्राता श्री हरिराम मूल जी, दया स्मृति गीता चिंतन माला, हमारे सदगृहस्थ सुनाम धन्य श्री कृष्ण कुमार दैया जी को जो चल रहा है, इसके 15वें अध्याय के 4 श्लोक तक हम लोगों ने चिंतन किया। सभी श्रोताओं को जो प्रेम प्रिय आश्रम के ट्रस्टीगण है, हमारे गिरीश भाई देश वाले, हमारे प्रकाश भाई मेहता, राजेश वेद, उमा बहन, सरस्वती माता, सुदूर जंत से श्रवण कर रही हैं, जो अत्यंत वेदांत रसिक हैं, कृष्णा बहन और भी जो अन्य श्रोता हैं मीना सोलंकी, सभी लोगों का नाम बोलना तो संभव नहीं है, तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भगवान कृपा से इस कोरोना काल में आप घर बैठे जो प्रेम पुरी से प्रायोजित सत्संग है, स्वाध्याय है, गीता चिंतन माला यदि आप सुनेंगे तो श्रुतम भरती पापानी तथा आरोग्यम प्रेक्षति, जरूर आपके पाप ताप नष्ट होंगे, आरोग्य की प्राप्ति होगी, कोरोना से मुक्ति भी होगी और जरूर आपके हृदय में उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत अपने श्रोताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।